नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ हिडन पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आया है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हैप्पी स्माइंड टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, हैप्पी स्माइंड टेक्नोलॉजी एक स्मॉल कैप टाइप आईटी सेक्टर कंपनी है, एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। बेसिकली कंपनी नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बार मैं आपके साथ बहुत सारे डेटा शेयर किया हूँ। तो फाइनली कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड अपडेट दिया है, जिस अपडेट के चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा फ्यूचर में ग्रोथ आने का चांसेस है। अभी कहेंगे सर, न्यूज आने के बाद कंपनी के ऊपर करेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, जितने सारे आईटी कंपनी है वो सारे आईटी कंपनी का हालत आज खराब है, क्योंकि आईटी सेक्टर लगातार लगातार क्या कर रहा है, गिरते चले जा रहे हैं। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी आ चुके हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी का सेल्स तो हुआ, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते ये कंपनी का नेट प्रॉफिट 58 से 72 बना। मान लेता हूँ कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव में है, प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है, फिर भी आईटी सेक्टर में गिरावट होने के कारण यही है कि बड़े प्लेयर अगर गिर रहे हैं तो छोटे प्लेयर तो जरूर गिरेंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रॉफिट करे, चाहे वो कुछ भी करे। तो बेसिकली कंपनी की जो बिजनेस है, उस बिजनेस के हिसाब से देखा है तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। अभी चलो कंपनी के ऊपर गुड अपडेट के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हैप्पी स्माइंड टू एक्वायर यूएस बेस्ड ऑरियस टेक सिस्टम लिमिटेड कंपनी को एक्वायर किया है, वो भी कितने रुपये में, 8.5 मिलियन डॉलर में। तो एक अच्छा खासा एक्विजिशन कंपनी ने किया, और एक्विजिशन वो भी किस कंपनी को किया, यूएस बेस्ड कंपनी। तो अमेरिकन बेस्ड कंपनी को एक्विजिशन किया जा रहा है, तो एक ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात, इस एक्विजिशन के हिसाब से बात करूँ तो हैप्पी स्माइंड जो है वो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन लेके आ सकते हैं। तो देखिए कंपनी देखा जाए तो द एक्विजिशन जो हुआ है हैप्पी स्माइंड के माध्यम से, वो कोलाबोरेशन इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस के ऊपर, मतलब जो जो सेक्टर का कंपनी सपोर्ट करेंगे, जो जो सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करने वाले, वो बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंश्योरेंस कंपनी है, और हेल्थ केयर और लाइफ सर्विसेज कंपनी है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करने वाले है। तो शायद कंपनी के अगर इस तरीके से प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहे तो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। अभी देखिए कंपनी के चार्ट देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। देखिए कंपनी एक लगातार जर्नी किया था, एक अच्छा खासा धमाका कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ था, और परफॉर्मेंस देखिए जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद देखिए कंपनी रॉकेट की तरह भागा, और जिस तरीके से रॉकेट की तरह भागा उसी तरीके से देखिए गिरते भी चले गए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी स्टॉक अगर होल्ड ना करके ऊपर जा रहा है तो वो कभी ना कभी गिरेगा। हाँ, इतना गिरेगा वो तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना गिरावट होने के पीछे रीजन एक्चुअली क्या है। देख बेसिकली कंपनी इसके ऊपर एक ट्रेड बना था, वो कुछ इस तरीके से रेंज ट्रेड बना था जो करीबन 22% के आसपास है। तो 22% के आसपास जो ट्रेड बना, इस ट्रेड के हिसाब से देखा है तो कंपनी जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब क्या बनेगा, एंट्री बनेगा, तब बनेगा एंट्री, और इस ऊपर लेवल में क्या होगा, इस ऊपर लेवल में बनेगा टारगेट। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक चीज को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जब भी इस नीचे लेवल को टच करे तब भी एंट्री बनेगा और ऊपर लेवल में टारगेट बनेगा। तो फाइनली मुझे एक एंट्री और टारगेट यहाँ पे मिला है जो करीबन 22% के आसपास रिटर्न मिला, और वो भी 150 दिन में। तो इसका मतलब 5 मंथ्स में आपको कंपनी ने 22% का रिटर्न दिया मुझे। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो ग्रीन कैंडल का पैटर्न है वो बहुत स्ट्रांगली काम करता है, और स्ट्रांगली तब काम करता है अगर वो ग्रीन कैंडल का पैटर्न जो है उसका जो एंट्री लेवल है वो एंट्री लेवल 200 डेज मूविंग एवरेज के अगर नीचे बने। याद रखिएगा, 200 डेज मूविंग एवरेज के अगर नीचे बने तो आप एंट्री लेवल पॉजिटिवली आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिसके बारे में मैं जरूर कहूँगा। एशियन पेंट के बारे में आपको हमेशा एक चीज़ों को याद रखना है कि एशियन पेंट इंडिया की एक पॉपुलर पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है। सिर्फ इंडिया के नहीं, ऑल ओवर एशिया का पॉपुलर कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी है, और अमेरिका भी सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड के रैंकिंग में कंपनी टॉप 7 में खुद का नाम दाखिल करा चुके हैं। तो एशियन पेंट के ऊपर जल्द से जल्द गुड अपडेट आने वाला है, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो ऑब्वियसली फाइनली आ चुके हैं। तो रिजल्ट थोड़ा सा करेक्शन है, तो उस कारण के वजह से शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। देखिए रिजल्ट आने से पहले ही लगातार शेयर में गिरावट का माहौल जारी था, तभी मैंने आपको डिस्कशन किया था कि इस बार कंपनी के रिजल्ट नेगेटिव आने का, मतलब सॉरी खराब आने का चांसेस है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं
पिछले बार 9,000 करोड़ का सेल्स था, इस बार 8,700 करोड़ बन चुके हैं। मतलब सेल्स में एक बहुत बड़ा करेक्शन है। उसके साथ साथ एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 1400 करोड़ से 1200 करोड़ तक बना। मतलब नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे करेक्शन हुआ। बाकी कंपनी के ऊपर एज ए मतलब बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो आप ये भी देखेंगे तो कंपनी के इस बार कर्जा ज़्यादा लिया गया। तो मतलब कंपनी इतने दिनों से कर्जा उतना नहीं लिया, फर्स्ट टाइम कंपनी कर्जे को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो जो 1900 करोड़ का कर्जा था वो आज 2500 करोड़ के आसपास कर्जा बन चुके हैं। कंपनी के ऊपर बेस्ट पॉइंट मुझे ये लगा, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी किया। 1000 करोड़ को बढ़ाकर 2600 करोड़ किया, मतलब एटलीस्ट 1500 करोड़ के ज़्यादा पैसा कंपनी इस बिजनेस के ऊपर लगाया। तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। बेस्ट पॉइंट यही है कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखा रहा है, जिसके चलते कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर इसीलिए कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि कंपनी में एक दो क्वार्टर में खराब रिजल्ट भी हो तो कंपनी फिर से रिकवरी कर लेंगे। क्योंकि कंपनी का जो रिटर्न ऑफ रेशियो है वो लास्ट ईयर में कंपनी के ऊपर कुछ खास ग्रोथ नहीं है। मुझे लगता है यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस तरीके से अपॉर्चुनिटी हमेशा हर टाइम में नहीं मिलता है, क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने एक बात कही है कि अच्छे कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले तो उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको शायद दोबारा ना मिले। तो इसका मतलब है अच्छे कंपनी आपको डिस्काउंट में मिले तो उसका कुछ डिसीजन आपको लेना चाहिए। देखिए आप बाई करेंगे कि सेल करेंगे वो आपके हाथ में है। मेरा काम है सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना। जैसे इस कंपनी के अगर मैं टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, एक बड़ा सा फॉल आपको देखने को मिलेगा। देखिए बना तो था एक कफ विद हनी बटन्स, तो वह यहाँ पे क्या बना, कप बना, सॉरी एक शोल्डर, उसके बाद हेड कम शोल्डर बना, कप विद हैंडल नहीं, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद वही लेवल में जाकर कंपनी रिटेस्ट किया, जो लेवल है 3546 के आसपास। इस लेवल तक जाकर कंपनी टच किए और टच करने के बाद कंपनी देखिए यहाँ पे करेक्शन भी हुआ, नीचे भी आए, ऊपर गया, फिर से देखिए नीचे चले आए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो रेंज है ये स्ट्रांगली एक कंपनी के लिए सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट के नीचे गए और एक बार को रिटेस्ट किए तो वो नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। तो देखिए वही हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया और एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए बिग फॉल हो गया और कहाँ तक आया, 2710। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता है मैंने आपको इस तरीके से कुछ लेवल्स आपको मार्किंग करके दिया था कि उस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। क्यों इस तरीके से लेवल मुझे देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट है। इसी सपोर्ट लेवल और सपोर्ट कम डिमांड जोन भी है, क्योंकि यहाँ से कंपनी बाउंस बैक किए थे। अभी ये देखना है कि इसी लेवल को टच करने के बाद वो बाउंस बैक करते हैं कि और भी गिरते हैं। तो जितना गिरेगा इस कंपनी के ऊपर मैं उतना ही पॉजिटिवली थिंकिंग रखूंगा, उतना ही मैं क्वांटिटी को ऐड करता चला जाऊंगा। क्योंकि कंपनी बेस्ट है तो इसलिए मुझे अच्छे खासा कंपनी सस्ते में मिल रहा है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद मुझे दोबारा ना मिले। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वोल्टास लिमिटेड। तो फाइनली वोल्टास के ऊपर एक शानदार तरीके से मुझे टारगेट मिला जो मैं आपके साथ जरूर यहाँ पे शेयर करूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे वोल्टास ने किस तरीके से काम किया। देखिए एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, दो बार नहीं यहाँ पे तीन बार शोल्डर क्रिएट किया, एक बार शोल्डर, दो बार, तीन बार शोल्डर बना। उसके बाद क्या हुआ, एक बिग क्या बना, एक हेड बना। बिग हेड बनने के बाद फिर से एक शोल्डर क्रिएट हुआ। तो शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया और फाइनली वो टारगेट को अचीव किया। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट और शानदार तरीके से एक टारगेट को कंपनी अचीव किए। तो शानदार तरीके से टारगेट कितना मिला, वो करीबन 30% के आसपास मिला और वो भी बहुत कम दिनों के अंदर मिला। क्योंकि मैं अगर एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 68 डेज में मिला। तो यही होते हैं पावर किसी भी अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करने का, यही होते हैं फायदा। तो देखिए जब भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, सॉरी जब भी टारगेट हुआ था, मैंने आपको ये भी बताया कि टारगेट होने के बाद कंपनी के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग हमेशा देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए कंपनी के ऊपर जब टारगेट अचीव हुआ उसके बाद देखिए किस तरीके से करेक्शन भी हुआ। मतलब एक अच्छा खासा करेक्शन इसीलिए देखने को मिला क्योंकि मार्केट लगातार एक सेलिंग प्रेशर में है। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप टाइप कंपनी इतने हाई हो चुके हैं, कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो फाइनली प्रॉफिट बुकिंग का एक सिचुएशन अभी देखने को मिला है, जिसके चलते बाकी कंपनीज के ऊपर भी एक प्रॉफिट बुकिंग का नज़रिया देखने को मिला। क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से चलते हैं, जब भी मार्केट कोई सेंटीमेंट के हिसाब से चले तो हमेशा एक चीज़ को याद रखना कि अगर बड़े प्लेयर माल बेच रहे हैं तो लोगों को मन में यही चिंता लग जाते हैं कि बड़े प्लेयर माल बेचकर भाग रहे हैं तो हम भी भाग जाए, नहीं तो मार्केट में बिग फॉल हो जाएगा। देखिए ऐसे बहुत सारे सिचुएशन बनता है। तो मार्केट जो कंपनी अच्छा है वो हमेशा कितना भी नीचे है वो एक ना एक दिन वो ऊपर जरूर जाएंगे।
बाकी वोल्टास के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी मुझे शानदार इसीलिए लगता है क्योंकि कंपनी इस बार भी देखिए सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट किया और एक्सपेंस को भी मिटाया, उसके बाद कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी यहाँ पे दिखाया। तो एक्चुअली प्रॉफिट कम हुआ उसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि कंपनी के जो एक्सपेंस है वो इतना ज़्यादा हो चुके हैं, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पॉजिटिव रखने के बाद भी कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा इस बार क्या करना पड़ा, टैक्सेस देना पड़ा। तो टैक्सेशन दो लास्ट टू ईयर्स में सॉरी लास्ट टू क्वार्टर्स में कंपनी टैक्स ज़्यादा दिया जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो कितना कम हुआ चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेल्स तो ठीक है, हर टाइम में सेल्स ठीक है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ कम है, तो यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बना। बाकी कंपनी के सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब कोई ट्रेड बनेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो जल्द से जल्द टाटा मोटर्स ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट करने वाला है, तो मुझे लगता है रिजल्ट आने के बाद ही स्प्लिट का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो कंपनी हर एक के बदले दो शेयर देने वाला है एज ए स्प्लिट के बेसिस में। तो जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। तो प्लीज़ किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना है तो एक बार आपके सेबी रजिस्टर एडवाइज़र के साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। इतने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।